एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आ गया हूँ मैं फिर से नई वीडियो के साथ, जो है मैं अब आरसी के साथ थोड़ा अपडेट करना चाहता था, क्योंकि मैं आजकल वीली प्रैक्टिस और स्टॉपी प्रैक्टिस कर रहा था, तो कई चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही थी करते समय। तो मैंने लिया है इस बार अपने आरसी के लिए थाई पैड कह सकते हैं इसको, या ग्रिप पैड भी कह सकते हैं इसको, टैंग पैड भी कई लोग कहते हैं। तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में ख़रीदा था, जो कि मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 400-500 रुपए के बीच में पड़ा है, जो कि ऑफलाइन मार्केट में। और यही चीज़ मैंने ऑनलाइन जब देखी थी, तो दिखाता हूँ आपको, ऑनलाइन मैंने अमेज़ॉन पर देखी है, तो ये हमारा दिखा रहा है अप्रॉक्स 945 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और यही अगर मैं ऑफलाइन मार्केट में ख़रीद रहा हूँ तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो इसलिए ऑफलाइन का भी अपना बेनिफिट है। और ऑनलाइन में आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है, लेकिन ऑफलाइन में आपको ये होता है कि आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है और सामान भी कभी कभी अच्छा मिल जाता है, जैसे मुझे मिल गया। तो यही इस बार इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें दिया क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली दिया है बस पैड ही दिए हैं, और ये 3M टेप दिए है, दो है एक एक के लिए। और इसकी जो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसको मैं पहले भी ट्राई करके देख चुका हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें ग्रिप जो इसमें ये ग्रिपिंग दे रखी है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो इसको इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे फिट होगा यूँ, तो इसको यहाँ से चिपकाना पड़ेगा। तो वाइट वाला जो पार्ट है इसको इधर साइड ऐसे करके चिपकाना है, इसको इस वाले के साथ जोड़ते हैं जरा ऐसे, तो इसको ऐसे लगाएंगे और सेम उसको उसमें लगाएंगे ऐसे करके, ये तो ये यूं लग जाएगा। तो इसको यहीं पे स्टिक कर लेते हैं पहले, इसको सिंपली बस निकालना है, इसको मैंने निकाल लिया और थोड़ी स्पेस बना देता हूँ, बिल्कुल एंड में ये लगा, ये चिपक गया बिल्कुल। सेम यही इसके साथ करना है, इसको ऐसे रखते हैं, लग गया, इसको अच्छे से चिपका देते हैं। इस वाले पोर्शन को चिपकाना है बाइक पे, तो चलते हैं बाइक के पास, अब इसको बंद करते हैं। आ गए हम बाहर, और जैसे मैं आपको अभी बैठ के दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे हम बैठते हैं तो ये देखिए स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। ये धीरे धीरे आप जब इसको यूज़ करने लगेंगे ना गाड़ी को, तो एक साल बाद कुछ टाइम बाद ये बहुत स्लिपरी हो जाता है, स्लिपरी यानी बारिश वारिश में बहुत स्मूथली ऐसे ऐसे रब होने लगता है, जिसमें आप जब जैसे कॉर्नर वॉर्नर करते हैं तो ये स्लिप करने लगता है। तो धीरे धीरे टाइम पे जैसे आप प्रोफेशनली और तेज़ राइड करते हैं सब करते हैं, तो इससे ग्रिप जो होती है बहुत स्मूथ हो जाती है। आप जब लीन करेंगे या व्हीली मारेंगे या स्टॉपी करेंगे तो यहाँ पे बहुत स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं या आपको पहले से ही अगर आता भी है तो भी आप करते हैं, कहीं ना कहीं जीन्स का सरफेस और इससे बहुत स्मूथ हो जाता है और वक्त के साथ धीरे धीरे और स्मूथ होता जाता है। तो यहीं पर ही यहाँ पर थाई पैड लगाने का काम बनता है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ लगा के। अब जैसे ये एक पीस यहाँ पर है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगा। ये यहाँ पर इसको हम लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा और ये हमें अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा। तो इसको मैं लगाता हूँ, इसको निकालना पड़ेगा पहले, ये हमने निकाली इसकी स्लिप, और बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार सरफेस ये साफ ही है, हल्का सा क्लीन करने के बाद थोड़ा सा वाइज़र में गैप दे दिएगा, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी अगर वाइज़र निकलेगा या कुछ होगा। तो यहाँ लग गया, अब दूसरी साइड लगाते हैं इतना ही गैप देख के,
निकाला और थोड़ी स्पेस दे के वाइजर पे, उसको हमने स्टिक कर लिया। अब लग गया अच्छे से, इसको उठा लेते हैं और ये देखिए ये यहाँ पे लग गया है। जैसे यहाँ पे देखते हैं और अच्छा भी लग रहा है। इसको मैं इसको जेब में रख लेता हूँ, उसको फेंकूँगा बाहर। चलते हैं राइट पे आगे। पोजीशनिंग अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक के, बिल्कुल परफेक्ट आई है देखें यहाँ पे, और सेम इसकी भी। जब मैं इसको अगर चलाऊँगा, राइड करूँगा, तो बिल्कुल पोजीशन परफेक्ट आ रही है। निकालता हूँ, तो ये जो पोजीशनिंग आई है बहुत ही अच्छी आ रही है। और मैं अगर पैर मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी, तो अच्छी ग्रिप मिल रही है मुझे। अच्छी क्या मतलब, अच्छी खासी ग्रिप मिल रही है। पैर मेरे बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे पहले के मुकाबले, बहुत इजीली एक सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहे थे, लेकिन अब नहीं स्लिप कर रहे हैं। तो ये होता है थाई पैड और ग्रिप्स लगाने का फ़ायदा, जिससे आपके पैर बिल्कुल लाइक स्टक रहेंगे। अगर आप वीली वीली मारते हो, ये सब करते हो, तो बिल्कुल ही स्टक रहेंगे। तो ये बेनिफिट होता है। तो थोड़ा राइड करते हैं और थोड़ा बॉडी से अगर आपका लाइक चिपका रहता है लाइक पैर वैर, अगर गाड़ी की बॉडी से, तो लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है आपको चलाने में। फील राइड की जो फील आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब बेनिफिट होता है। जो बात है, अगर आप जितने ही ज़्यादा अपनी गाड़ी को मॉड करते रहेंगे, थोड़े बहुत उसमें लाइक पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं राइड क्वालिटी थोड़े थोड़े से ही इम्प्रूव कर जाती है। जैसे हमने थाई पैड डाला था लाइक थोड़े, ये सब इंक्लूड करते हैं। अभी हमारा ब्रेक लीवर हट गया है, मतलब जो लीवर गार्ड था वो ख़राब हो गया था, तो हम वापस से लगाएंगे। तो थोड़े बहुत जो चेंजेस हम करते हैं, जैसे डबल बबल वाइज़र लगा रखा है हम लोगों ने और थोड़ा पेंट पेंट कर रखा है, ये सब करने से जो गाड़ी का फील आता है, तो वो आपको अच्छा एक लाइक कॉन्फिडेंस देता है, थोड़ा लाइक लुक अच्छा इम्प्रूव करता है और राइडिंग भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता ही आपकी, क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही मेन खेल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस गाड़ी पे अच्छा रहेगा, तो उतना ही अच्छे से आप गाड़ी चला पाएंगे। थोड़ा बहुत पैसा इस पर लगाना ज़रूरी होता है गाड़ी पे। मेरे में बहुत पहले जैसे डबल एग्जॉस्ट लगा हुआ था, मैंने लगा रखा था, तो वो मैंने हटा दिया बहुत पहले। मैं आपको दिखाऊंगा, शायद मैंने बहुत पहले व्लॉग्स पे लाइक शो किया है, मेरे पुराने वाले घर पे वो एग्जॉस्ट पड़े हुए हैं, जिनको मैं लगाऊंगा नहीं फ़िलहाल, क्योंकि वो एग्जॉस्ट लाइक बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको यूज़ करना अब फ़िलहाल इतना बढ़िया नहीं होगा। तो मैंने अगर लगाऊँगा इस पर, इंस्टॉल करूँगा, तो नए लगाऊँगा। वैसे इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट अब इतना पुराना हो चुका है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, मतलब अच्छा खासा लाउड है। तो कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती लाइक अलग से मॉड करके इसमें एग्जॉस्ट लगाने की। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इसमें भी मॉड कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है इसमें एग्जॉस्ट में चेंज करने का। बाकी अगर पेंट की रही बात, पेंट के बारे में मैंने सोचा है, वो आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ मैं कब क्या करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, तो इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पर ज़्यादातर ट्यून रहता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, सब कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ, रील्स डालता हूँ जो आपको शायद पसंद आ सकते हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और इसी तरह की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस शायद आपको भी पसंद आएंगी जो मैं डालता हूँ। आगे भी बहुत चीज़ें प्लान कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को लेके ही, तो ट्यून्ड रहिएगा। भाई मज़ा आ गई।
भाई मज़ा ही आ गई टोटली, लाइक बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस। वैसे हम सच में अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर इस पर भी एग्जॉस्ट लगा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस वाले एग्जॉस्ट से भी बहुत खुश हूँ। ये अच्छा खासा लाउड है और मज़ा भी आता है इसको, लाइक अगर ये हाई एंड पे रैप करो इसको तो अच्छी इसकी साउंड लाइक बहुत प्यारी आती है, बहुत ही प्यारी, लगता ही नहीं है कि लाइक नॉर्मल KTM की आवाज़ है, बहुत ही लाउड ही आवाज़ है ये, क्योंकि 2015 का मॉडल है तो आई थिंक उस समय BS4 चल रहा था, BS4 चल रहा था, तो उस समय लाइक इंजन में इतना लाइक चेंजेस नहीं किया गया था, और BS6X में इंजन की साउंड और कम कर दी गई है, तो ये पुरानी हो गई है, ऊपर से BS4 है तो साउंड इसकी टाइम के टाइम बहुत ज़्यादा ही लाउड होती जा रही है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्जॉस्ट की, पहले लगाया था क्योंकि पहले हाँ थोड़ी साउंड कम लगती थी, लेकिन अब तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो आ गए हम वापस अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये रहे अपने पैड जो कि लाइक सच में बहुत अच्छी लग रहे हैं, थोड़ी गाड़ी का लुक इसने थोड़ा और स्पोर्टी कर दिया है, और अच्छे खासे हमने इसमें मॉड्स कर रखे हैं, मतलब पूरी भरी हुई है, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको दिखाने के लिए और सब करने के लिए, तो मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊँगा ज़रूर जल्दी ही। और मॉड्स धीरे धीरे इस पर लाइक बढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल लोडेड ही हो गई है बिल्कुल ये हर लाइक एसेसरीज से, तो इसको एक दिन इसकी इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।